फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। 15 दिन हो गए हैं लेकिन 60 करोड़ रुपए की नकली किताबें छापकर भाजपा के केंद्र सरकार की शिक्षा नीति व राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाले चाचा भतीजे संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता की जोड़ी पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई है। गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं और कुर्की के लिए कागजों के पेट भी भरे जा रहे हैं। इस दौरान चाचा भतीजे की जोड़ी बराबर व्हाट्सएप कॉल से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं लेकिन जिला पुलिस का सर्विलांस सेल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। समझा जा सकता है कि पुलिस के सर्विलांस सेल से ज्यादा उन्नत तकनीक दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा की आपसी से फुटावल के कारण सामने आया यह घोटाला भी संजीव गुप्ता के पूर्व के कारनामों व घोटालों की तरह ही कागजों में दफन होने जा रहा है। अलबत्ता उन प्रिंटर्स के लिए जरूर मुसीबत खड़ी हो गई है जिनके नाम संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता ने अपनी 60 करोड़ रुपए की नकली किताबों को असली बनाने के लिए किताबों को डाले थे। मेरठ के 10 प्रिंटर्स अब 7 सितंबर को GST कार्यालय पर अपनी परेड कराने को विवश होंगे। पिछले माह 21 अगस्त को यूपी के STF ने भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता की फर्म TNHK प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन के परतापुर अचरौंडा स्थित गोदाम व मोहकमपुर स्थित प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारकर 35 करोड़ रुपए की NCERT की नकली किताबें बरामद की थी। गंभीर बात यह रही कि छापे के दौरान ही संजीव व उसका भतीजा भाजपा का झंडा लगी कार में बैठकर बड़े आराम से वहां से निकल भागे। भाजपा का झंडा लगा होने के कारण पुलिस दोनों के कॉलर पर हाथ डालने का साहस तक नहीं जुटा पाई। देर रात इन दोनों के गजरौला स्थित गोदाम पर छापा डाला गया जहां से 25 करोड़ रुपए मूल्य की नकली किताबें बरामद हुई, यानी कुल मिलाकर के 60 करोड़ रुपए की। चाचा भतीजे के इस जोड़ी ने सिर्फ NCERT को ही चूना नहीं लगाया बल्कि कई उन प्रकाशनों को भी अपनी चपेट में ले लिया जिनकी किताबें नाम से बिकती हैं। भाजपा की शिक्षा व भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगाने वाली इस घटना के बाद सभी राजनीतिक दल सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल का संजीव गुप्ता को खुला संरक्षण प्राप्त है और उनका बेटा सुमित अग्रवाल संजीव का पार्टनर भी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में नकली किताबों को खेल खेल खुलासे के बाद कैंट विधायक ने कागजों से अपने बेटे सुमित का नाम अलग करा लिया था। अब बात करते हैं नकली किताबों के खेल की। पुलिस ने 60 करोड़ रुपए मूल्य की किताबें बरामद की, यानी इन्हें छापने के लिए 30 करोड़ रुपए के कागज की जरूरत होगी, यानी 50%। 10% प्रिंटिंग आदि पर खर्च आता है, 30% दुकानदारों को कमीशन, यानी कुल मिलाकर 10% का लाभ। NCERT के साथ यह दिक्कत भी है कि वह केवल उन लोगों को ही किताबें देती है जो उनके पैनल में हैं और जो एडवांस पैसा देते हैं। संस्था इन्हें 15% कमीशन देती है जबकि संजीव व सचिन 30-35% तक कमीशन देते हैं और एडवांस भी नहीं लेते। यही कारण है कि लॉकडाउन अवधि में NCERT की 5 करोड़ किताबें गोताबों में ही पड़ी रह गई हैं और संजीव व सचिन इसका भरपूर लाभ उठा कर ले गए। लोगों के बीच चर्चा है कि संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता का नकली किताबों का यह खेल लगभग 1 दशक से चल रहा है। उत्तराखंड में उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड भी हो चुकी है। बावजूद इसके NCERT व पुलिस आंख बंद कर बैठी रही। विपक्ष का यह आरोप भी है कि पुलिस व विभाग ने तब भी आंखें बंद कर रखी थी और हाल यह है कि अब भी उनकी आंखें बंद ही हैं और यही कारण है कि 15 दिन होने के बाद भी संजीव व सचिन को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। संजीव से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि वह पैसे कमाना जानता है तो खर्च करना भी जानता है, साफ है, तभी दोनों आजाद घूम भी रहे हैं। यह भी चर्चा है कि भाजपा की आपसे सिर्फ फुटवल के कारण ही यह मामला खुला है, वरना विभाग और पुलिस तो दोनों ही आंखें बंद किए हुए हैं। कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल व विधायक सोमेंद्र तोमर की टीम भी इन दिनों आमने सामने है। मेरठ में संचालित 2 हुक्का बार पर पड़े छापे, 50 लोगों को छोड़ने, कुछ लोगों की मामूली धाराओं में गिरफ्तारी, चौकी इंचार्ज का निलंबन आदि भी दोनों टीमों द्वारा खेले जा रहे खेल का नतीजा बताया जा रहा है।
इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।